हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल सीरीज बेसिक टू एडवांस। और इस सीरीज की ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे वॉल्स को। हम क्रिएट करना तो सीख चुके हैं लास्ट वीडियो में, अब हम डिफरेंट टाइप्स की वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, उन्हें क्रिएट करेंगे और एक बेसिक सा प्लान हम रिविट आर्किटेक्चर में आज ड्रॉ करेंगे। उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे आप आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पा सकें। तो कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने चैनल के बारे में देना चाहूँगा। मेरा जो चैनल है इंजीनियर्स फॉर सिविल नाम से है, इसी नाम से एक वेबसाइट भी है मेरे पास। तो इस चैनल पे आप देखेंगे सिविल इंजीनियर से रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। अभी मैंने रिविट के स्टार्ट किए, इससे पहले स्टैड प्रो, ई टैब और आप ऑटोकैड, एनसीज, अबाकस, सैप, ऐसे सॉफ्टवेयर के फुल ट्यूटोरियल सीरीज आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके फाइंड कर सकते हो, या फिर वीडियोस में जाके किसी भी इंडिविजुअल वीडियो को आप चेक कर सकते हो। मेरे पास एक वेबसाइट भी है जिसका भी टाइटल यही है, वेबसाइट का डोमेन नाम है engineersforcivil.com। यहाँ पे आप ट्यूटोरियल्स के अलावा भी अदर डाटा भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बुक्स, NPTEL, जॉब्स, न्यूज़, ट्यूटोरियल्स ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, आप यहाँ पे आके वो सब चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल नंबर 4, जिसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ वॉल एयर और एक प्लान, बेसिक सिंपल सा हम प्लान ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिविट आर्किटेक्चर ऑन कर लेता हूँ। ये फोर्थ वीडियो है, इससे पहले की तीन वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, लेवल और वॉल्स के बारे में बात कर चुके हैं। सबसे पहले हम जाते हैं आर्किटेक्चर टेम्पलेट। टेम्पलेट में जैसे ही हम आर्किटेक्चर और रिविट आर्किटेक्चर को ओपन करते हैं, जो सामने विंडो दिखाई देती है वो है प्लान व्यू वर्किंग विंडो। यहाँ पे है आपके टूल्स की प्रॉपर्टी, यहाँ पे है प्रोजेक्ट ब्राउज़र और ये टूल्स हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, आज नहीं करेंगे बात। तो सबसे पहले मैं एक प्लान ले लेता हूँ, उसको ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करते करते हम वॉल्स के बारे में सीखेंगे। तो रिविट्स ये रहा, देखिए एक सिंपल सा प्लान है, बहुत ही सिंपल है, रिविट एक्सटेंडेड प्लान। ये मैंने डाउनलोड किया है गूगल से और इस प्लान में को हम बनाना है बहुत सिंपल तरीके से। स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हम प्लान, क्योंकि हमारा ये जो व्यू है ये प्लान व्यू है तो यहीं से ये बनेगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं वॉल, ठीक है। वॉल के पैनल को यहाँ से जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स की वॉल आती हैं। सबसे पहले जेनरिक, जेनरिक माने होता है सामान्य, एक ही मटेरियल की बनी हुई, ठीक है। तो जेनरिक वॉल्स आती हैं, डिफरेंट टाइप्स की थिकनेस होती है और आपका देख रहे हो फिलेट, मेसनरी, इतने टाइप्स। उसके बाद इंटीरियर वॉल्स होती हैं, उसके बाद आपका इसमें और इसको ड्रॉल करते हैं ऊपर आपके CW मीन्स होती है कैविटी वॉल्स, ठीक है। आप कैविटी वॉल्स हैं इसमें और आप देख रहे हैं, वैसे बेसिकली थ्री टाइप की वॉल्स होती हैं जिनमें से एक है बेसिक वॉल। बेसिक वॉल्स के अंदर ये सारी वॉल्स है, जेनरिक, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड कैविटी वॉल। एक होती है कर्टेन वॉल, जिसके अंदर है कर्टेन, एक्सटीरियर ग्लेजिंग, स्टोर फ्रंट जिसमें आप ग्लासेस देखते हैं, और उसके बाद है स्टैक वॉल जो फाउंडेशन में काम आती है। तो तीन तरह की वॉल्स हैं। तो अगर हमें ये प्लान ड्रॉ करना है तो बेसिकली अगर हम अपने आसपास के एरिया में देखें, जो छोटे छोटे घर बने होते हैं जिनका ज़्यादा बड़ा एरिया और ज़्यादा फ्लोर नहीं होते, उनकी जो आउटर वॉल होती है वो मेसनरी वॉल होती है और उसकी थिकनेस होती है 9 inches, और अगर mm में देखें तो 230 mm। तो बेसिक मेसनरी वॉल 9 inches की, जिससे हम आउटर बनाएंगे इस प्लान का, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूनिट्स चेंज करते हैं, UN यूनिट आ गई। इसमें लेंथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मीटर ना करके मैं फीट एंड फ्रैक्शनल इंच करके ओके कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम वॉल पे गए, वॉल पे मैंने कहा आपको 230 inches की वॉल, ठीक है। 230 inches की वॉल तो यहाँ पर नहीं है, ऊपर से यूनिट हमारी चेंज नहीं हुई है। यहाँ पर तो हमारी यूनिट चेंज हो गई है, लेकिन हमारी जो डिफ़ॉल्ट यूनिट है, क्योंकि जो टेम्पलेट है मैंने मैट्रिक में
ये इंपोर्ट किया हुआ है। चलो देखते हैं हम ओपन, यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ या फिर ओपन ही कर लेते हैं। इसके बाद मैं गया जहाँ पर ये इंस्टॉल हुआ है, सी प्रोग्राम फाइल ऑटोडेस्क रिविट, रिविट कंटेंट में नहीं जाते, रिविट 2016, इसके अंदर फिर से रिविट, रिविट 2016, लाइब्रेरी में या टेम्पलेट में जाते हैं और हम ले लेते हैं इम्पेरियल, ठीक है, यूएसए वाला जिसमें फीट और इंचेस होगा। और यहाँ पे लेते हैं हम आर्किटेक्चर है आपको दिखाई दे रहा है, नहीं तो हम डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्किटेक्चर ही होती है। ओके, अब हम वॉल पे क्लिक करते हैं तो देखिए इंचेस में आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या इस प्लान को आउटर वॉल बनाने के लिए, इस प्लान की आउटर वॉल जनरली हमारे यहाँ पे 9 इंची की वॉल होती है, तो हम 9 इंची की वॉल को फाइंड करते हैं इसमें। तो हमें मैसनरी 9 इंची वॉल तो नहीं है इसमें, 12 इंची है, 8 इंची है। तो हम क्या करेंगे, हम 8 इंची लेते हैं मैसनरी वॉल और यहाँ पर करते हैं एडिट। एडिट के बाद यहाँ करेंगे हम डुप्लीकेट, ठीक है। डुप्लीकेट में इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, 9 इंची कर देते हैं मैसनरी, ठीक है, ओके कर देते हैं। और यहाँ एडिट में जाकर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आपका कंक्रीट मैसनरी यूनिट की थिकनेस दी हुई है 7.5x8, इसको कर देते हैं 9, ठीक है, ओके कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए 9 इंची की वॉल आ चुकी है। तो मैंने 9 इंची की वॉल सेलेक्ट करी और बनाना स्टार्ट किया यहाँ से, और क्योंकि ये हमारा 20 फीट है तो 20 एंटर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, 20 एंटर। उसके बाद नीचे जाते हैं, ये है हमारा 40 एंटर, और फिर हम सीधा जाते हैं स्ट्रेट 20 फीट, फिर ऊपर जाते हैं हम 40 फीट, ठीक है। ये हमारा बन चुका है आउटर। अब आउटर के बाद फैमिली रूम दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, और इस फैमिली रूम के का डायमेंशंस नहीं दिए, हमें एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। हम ये एज्यूम करते हैं कि ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, 40 है तो 20 फीट के अराउंड इसकी डेप्थ है, ठीक है, इसकी ये विड्थ है। तो 20 फीट का हम देते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम माउस को ले जाते हैं और ये देखिए 20 फीट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 40 है ना, सॉरी ये 40 है और हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना इसको, तो 20 20 कैसे हो जाएगा। तो हम इसको कर देते हैं, इसको ले लेते हैं हम 10 फीट, ठीक है, 10 फीट ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, डायमेंशन नहीं दी। तो यहाँ पे हमने माउस को ड्रैग किया और जैसे ही 10 फीट पे हम आए, हमने क्लिक करके इसको इधर क्लिक कर दिया। बट हमने एक मिस्टेक की है इसमें, देखिए हम इस प्लान की बात नहीं कर रहे, हम थोड़ी जो प्रैक्टिकली बात है वो बात करेंगे। आउटर में 9 इंची की वॉल होती है, लेकिन इनर में जो है पार्टीशन वॉल 4.5 इंची की वॉल हम यूज़ करते हैं या 6 इंची की वॉल यूज़ करते हैं। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और मैं यहाँ पे वॉल ढूंढता हूँ कि कोई 6 इंच की वॉल है, 6 इंच मैसनरी हम इसको यूज़ करेंगे, और 10 फीट, और उसके बाद ये हो गया हमारा फैमिली रूम। इसके बाद हम यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे जिसमें बेडरूम और किचन आ रहा है, ठीक है, उसका फिर हाफ कर देंगे, ठीक है, डायमेंशंस हम एज्यूम कर लेंगे। तो हम यहाँ से लेते हैं सीधा ये, और हम फिर यहाँ से इसको किचन दे देते हैं और उसको बेडरूम, ठीक, किचन हो गया, ये बेडरूम हो गया। डायमेंशंस नहीं दिए तो थोड़ा अजीब सा हो सकता है, डायमेंशंस एज्यूम कर रहे हैं हम। उसके बाद बाथरूम है, किचन से बड़ा बाथरूम है, प्लान ही थोड़ा अजीब है, ठीक है, बाथरूम है। उसके बाद हमारा दूसरा बेडरूम है, ठीक है, एक थोड़ा सा उन्होंने अलमीराज के लिए भी ओपनिंग दी है यहाँ पे। तो इसी तरह से हम बनाते हैं, ये बाथरूम थोड़ा सा इससे बड़ा यहाँ पे, और फिर उसके बाद थोड़ी सी ओपनिंग दी इन्होंने यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो ये देखिए हमारा प्लान लगभग बन चुका है।
अब नेक्स्ट क्या चीज़ें हैं इसमें, डोर्स हैं तो डोर्स लगाते हैं। तो हमने आर्किटेक्चर में गए, डोर लिया, जो भी डोर है सिंगल डोर वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डोर है, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग इस तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, हमने डोर लिया और इन एरो पे अगर आप क्लिक करते हो तो डोर की ओपनिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद डोर कहाँ है आपका, डोर एक यहाँ पे है और आपका उसके बाद एक डोर यहाँ पे है, इसको हम चेंज कर देते हैं। और उसके बाद एक डोर यहाँ हो चुका, एक डोर यहाँ पे है, अंदर की साइड है और इधर, ठीक है। तो डोर सारे लग चुके हैं, अब है ओपनिंग की बारी, यहाँ पे ओपनिंग देनी है हमें। तो हमने क्या किया, एस एल स्प्लिट लाइन से यहाँ पे एक कट लगाया और यहाँ पे एक कट लगाया और इसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। ये हो चुका है, यहाँ एक कट एक्स्ट्रा लग गया, इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे तो एस एल और इसको हमने डिलीट कर दिया। तो ये हमारा प्लान बन चुका है। अब इसको ज़रा 3D में हम चेक कर लेते हैं, 3D में कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। और अगर इसको हम सेडिड में देखें तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा, लेकिन इसकी जो हाइट है वो हाइट कुछ ज़्यादा हो गई है, इसमें हाइट तो इतनी हमने नहीं ली थी, ठीक है। तो इसको हम पहले रोटेट करके देखते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। हाइट इसकी कुछ ज़्यादा है, अगर हम लेवल पे जाएं, नॉर्थ पे जाएं तो हाइट इसकी हो गई है 2 लेवल से ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं, पूरे को हमने सिलेक्ट किया और अब हम क्या करते हैं, इसको फ़िल्टर करते हैं। और फिल्टर में हम क्या करते हैं, फ़िल्टर से तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं केवल चीज़ें, इसको ऐसा करते हैं 3D में लेते हैं और अगर हम इस वॉल पे क्लिक करें तो यहाँ पे आता है 20 फीट। इसको करना है हमें, कितना है हमारा लेवल, लेवल है हमारा 10 फीट, ठीक है। तो 3D एक्टिवेट किया, इस वॉल पे क्लिक किया और यहाँ पे डाला 10, एंटर। इसी तरह से हमने इस पे क्लिक किया, थोड़ा ये हैंग हो चुका है, चलिए इसको रोटेट कर लेते हैं और ये यहाँ पे हमारा है 3D। कमांड को कैंसिल करते हैं, तो ये हो चुकी है। इसी तरह से हम इस वॉल को भी कर सकते हैं, यहाँ से 10 फीट, इसको भी 10 फीट कर सकते हैं। एक एक वॉल को हम फिर से सिलेक्ट करेंगे और फिर ऐसे यहाँ पे हाइट चेंज करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक तरीका और है, हम क्या करेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिल्टर में जाके केवल वॉल्स को सिलेक्ट करेंगे, डोर्स को हटा देंगे यहाँ से, ओके। और अब यहाँ पे अनकनेक्टेड के नीचे अगर लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, 10 फीट और एंटर, आप देखेंगे कि सभी की हाइट एक साथ चेंज हो गई है। तो ये एक आपका सिंगल स्टोरेज रूम बन गया है। दरअसल हमको रूम बनाना सीखना नहीं था, हमें वॉल्स के बारे में जानना था। तो वॉल्स के बारे में और जानते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक है आपका, इस अब मैं जो वॉल ड्रॉ करूँगा वो सीधा 3D में ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है बेसिक वॉल के अंदर, बेसिक वॉल के अंदर दिया हुआ एक्सटीरियर ब्रिक, एक्सटीरियर ब्रिक ऑन CMU, इस टाइप की हमें ब्रिक्स दी हुई हैं। तो अगर हम इस पर क्लिक करें, फर्स्ट पर क्लिक करें, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कलरफुल दिखाई दे रहा है विड्थ, क्योंकि ये काफ़ी लेयर्स में बनी हुई है बेसिक ब्रिक वॉल। अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ कर दिया और आप देख सकते हैं कि इसमें है ना कुछ कलरफुल, आउटर अलग इनर अलग इस तरह से कुछ दिया हुआ है। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। तो इसको समझने का एक अच्छा तरीका है, आप किसी भी वॉल को समझना चाहते हैं तो इस वॉल को समझने के लिए सबसे पहले आप जाइए
टॉप प्लान पे, ये रही वॉल। अब इस वॉल में सिंगल लेयर दिखा रहा है, यहाँ पे जाके आप यहाँ पे जाकर इसको कर दीजिए फाइन डिटेल। अब डिटेलिंग में लेयर्स दिखा रहा है, अब यहाँ एडिट में जाइए और यहाँ पे आप एडिट में जाके इस वॉल को एडिट कीजिए। सॉरी, वॉल एंड एडिट, ये आ गई है वॉल एडिट। अब यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 लेयर्स हैं इस वॉल की। फर्स्ट लेयर क्या है आपकी, ब्रिक, जिसकी थिकनेस इतनी है। उसके बाद कंक्रीट की ये थिकनेस, फिर एयर है, फिर एयर इन्फ्लेटेशन बैरियर है, प्लाईवुड है, फिर मेटल है, तो इतनी सारी लेयर। लास्ट में आपका जिप्सम वॉल बोर्ड की लेयर से बनकर ये वॉल बनी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर ब्रिक एंड CMU वॉल। उसी तरह से हमारा, अगर हम इसे 3D में ही कर लेते हैं ड्रॉ करने में, 3D में, तो अगर हम इसी में जाएं कर्टेन वॉल, तो हम यहाँ से कर्टेन वॉल एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये रही कर्टेन वॉल, ठीक है। कर्टेन वॉल ड्रॉ हो चुकी है, इसके बाद हम कोई और वॉल ड्रॉ कर लेते हैं, स्टोर फ्रंट वॉल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये जो वॉल हमने ड्रॉ की है, इन सब की हाइट जो है वो हम ठीक कर लेते हैं। तो हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे डबल डबल वॉल बन चुकी है, इनको डिलीट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट किया हमने और इसको कर दिया हमने 10 फीट। इसी तरह इसको सेलेक्ट करके हमने कर दिया 10 फीट, और इसको भी सिलेक्ट करके हमने कर दिया 10 फीट। ठीक है, तो ये है हमारी एक्सटीरियर वॉल। तो डिफरेंट टाइप की वॉल है, सिंपल। देखिए आपको क्या करना है, आपको वॉल पे जाना है, यहाँ पे जो भी वॉल है उसकी एडिट में जाना है और उसकी लेयर्स को देख लेना है कि कौन कौन सी लेयर है। अगर समझ में नहीं आ रही है, देखिए 3 लेयर्स है इसमें, ठीक, कोर बाउंड्री और स्ट्रक्चर। इस तरह से आप लेयर्स देख सकते हैं और आप उसकी थिकनेस को जान सकते हैं। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ वॉल और हम कैसे एक छोटा सा बेसिक प्लान कैसे बनाएं, उस बारे में थी ये वीडियो। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ये बेसिक वीडियोज़ है, हो सकता है आपको पसंद ना आ रही हो, लेकिन इसके बाद एडवांस और डिटेल में हम ट्यूटोरियल्स देखेंगे। तो थैंक यू।